मिथुन दा कह रहे हैं बीजेपी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रही है और खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कामकाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और कह रहे हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भ्रष्टाचार तोलेबाजी की हार होगी, ये पीएम मोदी ने आज खासतौर पर अपनी रैली में कहा। कट मनी सिंडिकेट की हार इन चुनावों में तय है, हिंसा आतंक बेरोजगारी की हार होगी, ये बातें परेड ग्राउंड की आज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार आर नॉय दो बार बोलना है, भ्रष्टाचार आर नॉय भ्रष्टाचार तोलाबाजी कट मनी सिंडिकेट बेरोजगारी हिंसा आतंक तुष्टिकरण अन्याय अन्याय। जी हां, बंगाल के रण के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम था। कोलकाता में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिलीगुड़ी से जवाब दिया सीएम ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया, बंगाल में नहीं दिल्ली में परिवर्तन होगा, यह कहा ममता बनर्जी ने। बंगाल में तो टीएमसी ही रहेगी, दिल्ली से आपको जाना होगा, यह कह दिया ममता बनर्जी ने। सुनिए, बड़ा बड़ा भाषण दें ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस पाबे, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। जानी ना যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো পাঁচটা সিটি ইলেকশন আছে, পাঁচটায় পাঁচটা ছক্কা খাবেন। তামিলনাড়ুতে হারবেন, কেরালায় হারবেন, আসামে হারবেন, বাংলায় হারবেন, সব কোটাতে হারবেন। লজ্জা নেই, चले ऐसे बोलते बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, रान्नार घरे गैसर दाम बाड़िए दिए महिला के असम्मान करे। अरे आमार मां बोले ना तो रात 10টায় রাস্তায় ঘোরে। तो ममता बनर्जी का खास अंदाज आपने देखा, पदयात्रा उन्होंने निकाली, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की और उसके बाद कहा कि परिवर्तन तो होगा लेकिन यहां नहीं दिल्ली में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।